Hello my dear friends, myself Vikas Yadav, a team member of Youth Power Academy. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ और इंडियन पॉलिटी में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है। अगर मैं बात करता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 16th मॉड्यूल ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। This one is the 17th module of historical background of Indian polity. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ ये बोलना चाहूंगा कि हम आखिर इस मॉड्यूल में कवर क्या करेंगे। देखिए, इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, लेकिन मैं आपके साथ ये बताना चाहूंगा कि दिस वन इज द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने जो 16th मॉड्यूल है वहां पे मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 स्टार्ट कर दिया है। मैंने वहां पे नियरली 50% कवर कर लिया है। अब मैं उसी के सेम एक्ट के प्रोविजंस में आगे के प्रोविजंस के बारे में बात करना चाहूंगा अपने इस मॉड्यूल में। तो ऐसा है कि ये जो मॉड्यूल है वो मेरे जो पिछला मॉड्यूल है उसके कंटिन्यूएशन में है। तो यहां पे आने के लिए, इस मॉड्यूल में आने के लिए आपको पिछले मॉड्यूल में जरूर विजिट करना होगा, नहीं तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने जो और प्रोविजंस है इस एक्ट के उसको पढ़ने से पहले जो है हम एक स्ट्रक्चर जानते हैं कि आखिर उस समय का स्ट्रक्चर क्या था, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो क्या था। देखिए, सबसे पहले कौन था? सबसे पहले आपके थे क्राउन। ठीक है, एक मिनट, क्राउन थे, उसके नीचे कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके नीचे कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके साथ एक एडवाइजरी बॉडी इंडियन काउंसिल, देन उसके पास आपकी आपके वायसराय या गवर्नर जनरल। ठीक है, ठीक, यहां पे मैं बात करता हूं। तो यहां पे क्या था, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले मॉड्यूल में बताया कि द सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल लिस्ट एज वेल एज प्रोविंशियल लिस्ट। जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में डिवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब है कुछ जो आपकी सेंट्रल लिस्ट है वहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता था, एंड जो प्रोविंशियल लिस्ट थी वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कानून बना सकती थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में आप रखिएगा। अब मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या था आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे क्या था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखिए, मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको देने की बात करूंगा। जब मैं बात करता हूं सेंट्रल लेवल पे, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, एग्जीक्यूटिव की, जो क्या करता था, कानून को एग्जीक्यूट करता था, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा लेजिस्लेटर की। जब मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं, मैंने कि एग्जीक्यूटिव वहां पे उस समय उसके लिए रिस्पांसिबल कौन था, उसके लिए रिस्पांसिबल था वायसराय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या इसको कई बार यह भी बोलता है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या इंपीरिकल भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता था, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस समय अगर मैं बात करता हूं वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, तो उस समय टोटल मेंबर्स थे 8 मेंबर्स, जिसमें से 3 मेंबर्स जो थे इंडियन थे। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी थी आपकी, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी
ठीक है, एंड एग्जीक्यूट लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी थी। जब मैं बात करता हूँ लेजिस्लेचर की, तो मैंने अपने पिछले मॉड्यूल में बात किया कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म, ठीक है, आपकी बाइकैमरलिज्म एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, बाइकैमरलिज्म, ठीक, एट द सेंट्रल लेवल। तो वहां पे मैंने बात क्या किया था, वहां पे मैंने बात किया था कि एक तरफ जहां पे आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो दूसरी तरफ कौन था, काउंसिल ऑफ स्टेट था। जब मैंने बात किया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वहां पे उनके मेंबर्स कितने साल के लिए होते थे, 3 साल के लिए, यहां पे कितने, 5 ईयर के लिए, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स के बारे में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दिस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज नोन एज अपर हाउस एंड दिस काउंसिल ऑफ स्टेट वॉज नोन एज लोअर हाउस, ठीक है, ठीक। अब मैं उनके मेंबर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। एट दैट टाइम दैट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज कंसिस्टिंग वन फोर्टी फोर मेंबर्स, जिसमें टोटल आपके 104 जो आपके मेंबर्स थे वो इलेक्टेड थे, एंड आपके टोटल 40 मेंबर्स आपके थे वो नॉमिनेटेड थे, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ 40 नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो उसमें से आपके, देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इलेक्टेड मेंबर्स की, ठीक है, ये तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स की मैं बात करता हूँ कि आखिर मेंबर्स जो उस समय थे 104 जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो कौन कौन मेंबर्स थे, ठीक है। वहाँ पे आपकी 52 सीट्स जो थी वो जनरल के लिए थी, जनरल इट मीन्स अनरिजर्व, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 30 सीटें आपकी मुस्लिम्स के लिए थी रिजर्व, 2 सीटें आपकी सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी, एंड फर्दर 20 सीटें स्पेशल कैटेगरी में थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे बात क्या किया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स के बारे में। तो कुछ लोग बोलते हैं 144 थे, कुछ बोलते हैं 145, तो मैंने 144 कंसीडर किया है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर उस समय होते थे वो 5 ईयर के लिए, 5 कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दिस वन वॉज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, नॉट काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, कन्फ्यूजर वॉज कन्फ्यूजन। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिस्कस किया है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या उसको बोला जाता था लोअर हाउस, टोटल मेंबर्स कितने थे, 144 मेंबर्स थे, जिसमें से 104 मेंबर्स, 104 मेंबर्स इलेक्टेड थे, 40 मेंबर्स नॉमिनेटेड थे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 104 मेंबर्स की इलेक्टेड की, तो वहाँ पे 52 सीटें अनरिजर्व थी, इसका मतलब, ठीक है, उसके बाद जनरल सीटें थी, 30 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की जाती हैं, 2 सीटें ऐसा है सिख कम्युनिटी के लिए, एंड 20 सीटें स्पेशल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जब बात किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 909 की, तो वहाँ पे क्या किया था, इट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स,
वहाँ पे क्या है, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया जाता है 1909 एक्ट में। लेकिन मैं जब बात करता हूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे मुस्लिम्स के लिए भी सीटें रिजर्व की जा रही हैं, साथ ही साथ सिख कम्युनिटी के लिए भी रिजर्व की जा रही हैं, साथ ही साथ स्पेशल कम्युनिटी के लिए भी या स्पेशल कैटेगरी के लिए भी सीटें रिजर्व की जा रही हैं। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे होंगे, पहली चीज़ तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, अब इसमें 144 मेंबर्स हो गए टोटल। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे होंगे कि साथ ही साथ एक्सपेंशन के साथ मुस्लिम्स के लिए एंड सिख्स के लिए भी सीटें रिजर्व की जाती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। जब मैं बात करता हूँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, तो उस समय टोटल जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर्स थे, टोटल में इसमें मेंबर्स थे 60। इसमें से आपके 26 मेंबर्स नॉमिनेटेड थे एंड 34 मेंबर्स इलेक्टेड थे। जब मैं बात करता हूँ इलेक्टेड मेंबर्स की, तो यहाँ पे क्या था, 26 जनरल के लिए थी या अनरिजर्व के लिए थी, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यहाँ पे भी 10 सीटें रिजर्व थीं, साथ ही साथ यूरोपियंस के लिए भी 3 सीटें रिजर्व थीं एंड सिक्स के लिए भी 1 सीट रिजर्व थी। तो सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी था, वहाँ पे भी क्या होता है कि मुस्लिम्स के लिए एंड सिक्स के लिए एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो ये सेंट्रल लेवल पर मैंने बात किया कि आखिर एग्जीक्यूटिव। अब मैं बात करना चाहूँगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो प्रोविंशियल लेवल पे क्या है? अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ तो क्या थे आपके प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नर थे और जो एग्जीक्यूटिव उनके एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, उनकी मदद से जो है एग्जीक्यूटिव को डील किया जाता था। अगर मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव की, तो वहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिस उसमें भी मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता था, इंक्रीज किया गया, लेकिन वो नंबर जो था यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए, मैंने पिछले अपने सेशन में बात किया था कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एट द सेंट्रल लेवल, आप देख रहे होंगे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द सेकेंड वन वॉज दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी, ठीक है, डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, जहाँ पर क्या किया गया, जो कि आपकी लिस्ट थी फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पज, उसको रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट में डिवाइड किया जाता है। जहां में मैं बात किया हूं रिजर्व लिस्ट की, तो रिजर्व लिस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड द ट्रांसफर्ड लिस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द पॉपुलर मिनिस्टर, ठीक है, पॉपुलर मिनिस्टर्स हु विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली के जो इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स थे उनसे इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर उस समय का, कि आखिर उस समय का स्ट्रक्चर क्या था, कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन होता था। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखिए। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर आगे हमको क्या बढ़ना और प्रोविजंस के बारे में बात। देखिए यहाँ पे जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जब मैं 1909 एक्ट की बात कर रहा था, वहाँ पे केवल मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उसको एक्सटेंड किया जाता है किसके लिए, सिख कम्युनिटी के लिए भी, आपके इंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी किया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो आप यहीं से तीसरा प्रोविजन आपका निकलता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा कि थर्ड प्रोविजन की तरफ, या फिर थर्ड प्रोविजन क्या था, ठीक है। थर्ड प्रोविजन एक्सटेंशन ऑफ
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, यहां पर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको एक्सटेंड किया जाता है। जब मैं बात करता हूं 1909 एक्ट के लिए, तो वहां पर जो आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो किस कम्युनिटी के लिए था, मुस्लिम्स के लिए था ओनली। लेकिन जब मैं बात करता हूं 1919 एक्ट की, तो यहां पे जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। नाउ द सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी फॉर द मुस्लिम्स, सिक्स एंड एंग्लो इंडियंस, ठीक। उन मुस्लिम्स के लिए पहले भी था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि यूरोपियंस के लिए भी किया गया, ठीक है, यूरोपियंस के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि दी एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में बात हमने किसकी की, कि अब सीटें केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं सेपरेट इलेक्टेड के थ्रू, मतलब सॉरी मुस्लिम्स के लिए नहीं रिजर्व होंगी, अब साथ ही साथ सिख कम्युनिटी के लिए, इंग्लो इंडियन के लिए, एज वेल एज यूरोपियंस के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए अब अगले एक्ट की बात करता हूँ मैं, कि आखिर अगला प्रोविज़न क्या था, ठीक। अगला प्रोविज़न था, यहाँ पे एक प्रोविज़न था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि इस एक्ट में एक प्रोविजन रखा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टेबलाइज करना है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करनी है। इस एक्ट में ही था वो प्रोविजन, जो कि बाद में चल के 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि इस एक्ट में ही ये था कि आपको एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करनी है, तो उसी के तहत 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है। किस पर्पज के लिए? फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। दिस वॉज द फोर्थ प्रोविजन। अब चलिए आगे, और भी प्रोविजंस, तो हमने मेजर प्रोविजंस को कवर कर लिया है, कुछ माइनर प्रोविजंस भी हैं, उनकी भी बात करेंगे हम कि आखिर कुछ माइनर प्रोविजंस क्या थे, ठीक है। देखिए, चलिए कुछ माइनर प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज, इट सेपरेटेड सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल बजट। यहाँ पे ये भी प्रोविजन था कि जो प्रोविंशियल बजट है उसको सेंट्रल बजट से अलग किया जाता है, कि नाउ द फॉर द सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास देयर ओन बजट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन पास देयर ओन बजट। उस बजट को भी सेपरेट किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ, ठीक है, अब ठीक, यहाँ पे मैं और बात करना चाहूँगा, ठीक है। अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करना चाहूँगा, सेंट्रल लेवल के जो आपका बजट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट का वोटेबल, जहां पे वोट किया जा सकता था, एंड नॉन वोटेबल, जहां पे वोट नहीं किया जा सकता था। अगर मैं बात करता हूं कि नॉन वोटेबल की, दैट वाज नियरली 1/3 पार्ट था, कि जो आपके 1/3 पार्ट है, सॉरी नॉन वोटेबल 2/3 हो गया आपका, एंड वोटेबल था 1/3 पार्ट, ठीक है।
कि वन थर्ड पार्ट में जो बजट का वन थर्ड पार्ट था वहाँ पे वोटिंग हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप कि इवन इन दिस स्फीयर गवर्नर जनरल वाज इम्पावर्ड टू रिस्टोर एनी ग्रांट रिफ्यूज्ड आर रिड्यूस्ड बाय लेजिस्लेटर इफ इन हिज ओपिनियन द डिमांड वाज इसेंशियल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ध्यान क्या, यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इवन इफ जो वोटेबल पार्ट था, जो आपका वोटेबल पार्ट था वन थर्ड, यहाँ पे गवर्नर जनरल रिस्टोर कर सकता था। गवर्नर जनरल के पास एक्सक्लूसिव पावर्स थी कि आपने वोट करके बजट में वन थर्ड में भेजा है उसको भी आपको रिस्टोर कर सकते थे, ओरिजिनल पोजिशन में जा सकते थे कि देर इज नो नीड फॉर द चेंजमेंट। अगर उसको लगता था कि अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नर जनरल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करने में मदद मिलेगी, तो वहां पे भी जो वन थर्ड जो वोटेबल पार्ट है उसको भी रिस्टोर कर सकता था। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि फाइनल सेइंग किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह मैंने फाइनेंशियल पावर की बात की। इट ऑल्सो स्टेबलाइज्ड हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन, कि एक मतलब लंदन में एक हाई कमीशन की भी स्थापना की गई किसके लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर्स को उस हाई कमीशन में ट्रांसफर किया गया कि दिस एक्ट स्टेबलाइज्ड अ हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। तो दिस वॉज द आई थिंक फिफ्थ प्रोविजन, ठीक है। एनीथिंग आई हैव लेफ्ट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड की पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टेबलाइज की जाती है, बाई कैमलिज्म आई हैव कवर्ड, ठीक है, प्रीएम्बल आई हैव ऑल्सो कवर्ड, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक बात आपसे के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, देखिए जो सम वोटिंग था, दिस एक्ट, एक चीज और, दिस एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन की बात जब मैं करता हूं तो मैंने पिछले अपने सेशन में क्या भी बात किया था, मैंने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात किया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन में मैंने क्या बात किया था कि जो लोकल बॉडीज हैं वो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल्स का ग्रुप चुनती हैं, वो प्रोविंशियल लेवल पे चुनते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है वो सेंट्रल लेवल पे इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। देखिए यहाँ पे कंडीशन रखी गई, ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज था जैसा कि आज हम देखते हैं कि सबको, कोई भी एडल्ट मेंबर है वो वोटिंग कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस तो किया गया था लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं था। वहाँ पे कंडीशन रखी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ एडुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, कि वो कितना ब्रिटिशर्स को टैक्स देते हैं, उस बेसिस पे जो है आपका वोटिंग डिसाइड थी। जैसे मैं एक स्पेशल केस की बात करूँ कि जो वोटर्स हैं दे शुड हैव पेड लैंड रेवेन्यू ऑफ ₹3,000 का पेड लैंड रेवेन्यू हो, ठीक है, और हैव ए प्रॉपर्टी विथ रेंटल वैल्यू और हैव ए टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो आपका जो वोटिंग पैटर्न था डायरेक्ट तो कर दिया गया था लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशन रखी गई थी। कंडीशन क्या रखी गई थी कि आप कितना एजुकेटेड हैं, आप कितना टैक्स देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता था कि किसको इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता था तो कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हम ये भी बोल सकते हैं दिस एक्ट सम हाउ गिवन सम वुमेन्स राइट टू वोट, वुमेन्स को भी, महिलाओं को भी राइट टू वोट दिया, लेकिन नॉट ऑल, वहाँ पे कंडीशन थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आखिर मैटर ऑफ इलेक्शन कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बात आपके साथ करना चाहूँगा कि देखिए सेंट्रल, जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे जो मेंबर्स जो इलेक्ट करके आते थे वो कहाँ से आते थे, प्रोविंसीज लेवल से आते थे।
प्रोविंसियल लेवल से आते थे, प्रोविंसीज से आते थे। तो एक चीज़ बात ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोविंसीज लेवल्स पे जो मेंबर्स, कितने मेंबर्स वहाँ पे इलेक्ट करने हैं, उनका जो कितने मेंबर्स वहाँ पे इलेक्ट करना है वो सीटें फिक्स नहीं थी। अच्छा, प्रोविंसीज लेवल पे बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए, जो आपके प्रोविंसियल लेवल पे, प्रोविंसियल लेवल पे क्या है, आपको कहीं ना कहीं सीट तो फिक्स होगी ना, सीट तो फिक्स होगी कि कितने लोगों को वो इलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो इलेक्ट करके सेंट्रल लेवल पे भेजेंगे, ठीक है, कि कितने कितनी सीट्स उनके लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं था कि सभी प्रोविंसेस में एक समान वो सीट जो थी वो फिक्स थी। वो सीटें आखिर प्रोविंसेस लेवल पे कैसे डिसाइड की जाती थी कि कौन सी प्रोविंसी गवर्नमेंट की नज़र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है, एंड आल्सो द प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ आपके साथ ये डिसाइड करता हूँ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी, जो प्रोविंसीज लेवल पर जो सीट जो फिक्स थी वो इस बेसिस पे नहीं फिक्स थी कि सबको एक साथ, मतलब सबको एक समान सीटें दिया जाए, नहीं, वो इस बेसिस पे फिक्स की जाती थी कि गवर्नमेंट की नज़र में कौन प्रोविंसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए उतनी ही ज़्यादा सीट्स जो है फिक्स की जाती थी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कंक्लूजन देना चाहूँगा। तो कंक्लूजन में जब मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मैं मेरिट्स की बात करूँगा कि आखिर मेरिट्स की मैं बात किया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि दिस एक्ट वाज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। दिस एक्ट के द्वारा जो है, इस एक्ट के द्वारा डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की भी बात की गई, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने पिछले मॉड्यूल में कवर किया है, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं दिस इट इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे, कि जो कि सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उसको किस में डिवाइड किया गया, सेंट्रल लिस्ट एज वेल एज प्रोविंशियल लिस्ट में। कहीं ना कहीं हम फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कुछ लिस्ट होंगी वहाँ पे एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा, एंड कुछ लिस्ट्स ऐसी होंगी जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यूनिटरी बेसिस पे था, मतलब जो मेजर जो पावर्स थी, जो आपके सेंट्रल लिस्ट हैं वहाँ पे मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पुटअप किए गए। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के को एक्सक्लूसिव पावर्स भी दिया गया, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि तीसरा, मैं अगर इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट तीसरे मैंने अगर मेरिट्स की बात करूँ तो दिस एक्ट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पे भी तीन इंडियंस को रखा जाता है। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, साथ ही साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एज वेल एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, तो वहाँ भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। तो दिस एक्ट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम द डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंसेंस क्रिएट करती है, डायरेक्ट इलेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो फ्रेंचाइज थी वो लिमिटेड थी, सभी लोगों तक सीमित नहीं थी, क्योंकि जो फ्रेंचाइज थी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स, एडुकेशन के बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है। दिस एक्ट वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो दिस एक्ट वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है वुमेंस को भी राइट टू वोट दिया गया, बट नॉट ऑल, ठीक है। अब मैं आगे आपके साथ बात करना चाहूँगा आखिर लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। सबसे पहला मैं लिमिटेशन की बात करूँगा कि जब मैंने अपने 909 एक्ट की जब मैंने बात की तो वहाँ मैंने बात किया था 909 में दिस एक्ट स्टार्टेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे वो एक्ट स्टार्ट करता है जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इस सेंस में छोड़ता है कहीं ना कहीं कि वो मेजर फाउंडेशन था, एक मेजर स्टोन था कि बाद में हमारी कंट्री जो है हमारी कंट्री जो है बाद में डिवाइड होती है इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे आप देखें वहाँ पे एक नींव रखी जाती है। तो इस नींव को फर्दर इंक्रीज किया जाता है, फर्दर एक्सटेंड किया जाता है। जहाँ मैं पहले बात करता हूँ तो वहाँ पे केवल मुस्लिम्स के लिए वहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रेट जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिक्स के लिए, यूरोपियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए भी
वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन। अब मैं दूसरे लिमिटेशन की बात करूँ, देखिए दिस एक्ट कहीं ना कहीं दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन मैंने बात क्या किया कि वहाँ पे फ्रेंचाइज यूनिवर्सल नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था कि कुछ ही लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, टैक्स एंड प्रॉपर्टी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब मैं बात करता हूँ कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट की, तो मैंने क्या बात किया था कि देखिए प्रोविंशियल लेवल पे जब मैं बात करता हूँ रिजर्व लिस्ट की, तो वहाँ पे रिजर्व लिस्ट में वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर की जाएगी, गवर्नर के द्वारा। एंड ट्रांसफर लिस्ट किसके द्वारा, पॉपुलर मिनिस्टर की। लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर के केस में वहाँ पे फिर गवर्नर ओवरलाइंग पावर ले लेता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर होगा तो गवर्नर जो है ट्रांसफर लिस्ट में भी एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इवन इफ कहीं ना कहीं लिस्ट को डिवाइड तो किया गया है, फिर भी गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर थी। साथ ही साथ मैं जब सेंट्रल लेवल पे बात करता हूँ तो सेंट्रल लेवल पे भी मैंने आपके साथ बात किया कि हाँ वहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस तो किया जाता है, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल के पास एक्सक्लूसिव पावर्स थी। मैंने बात किया था एक्सक्लूसिव पावर्स की कि वहाँ पे क्या है, कुछ मैटर्स में गवर्नर जनरल का प्रीआर परमिशन लेना पड़ता था, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी, गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी थी। तो आप देख रहे होंगे कि गवर्नर जनरल, गवर्नर हैड अलॉट ऑफ पावर टू अंडरमाइन द लेजिस्लेशन, कि गवर्नर जनरल के पास और जनरल जो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी कि वो किसी भी लेजिस्लेशन को अंडरमाइन कर सकते थे, ठीक है। हाँ, तीसरा मैं बात करता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो आपका अलॉटमेंट ऑफ सीट फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेशन थी, लेजिस्लेटर थी, वाज नॉट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन बट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस इन द आईज ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन की थी कि जो आपकी जो एलोकेशन ऑफ सीट्स थी फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटर, सेंट्रल लेजिस्लेटर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं किसकी किसकी बात करता हूँ, बाइकैमरलिज्म था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो आपका जो वहाँ पे जो मेंबर्स आते थे तो उनके उन मेंबर्स के लिए जो प्रोविंशियल प्रोविंसीज को जो सीटें जो फिक्स की गई थी दे वर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं थी, ठीक है, कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटर के लिए जो सीटें जो रिजर्व थी वो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं थे, वो किस बेसिस पे थी कि कौन सी प्रोविंसी ब्रिटिशर्स के नज़र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोविंसी ए है वो ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो सेंट्रल लेजिस्लेटर में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी या उसकी मेंबर्स उनके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वो ये लिमिटेशन थी, तो मैंने ये सब चीज़ों इन सब चीज़ों के बाद बारे में आपसे बात किया कि अब मेरिट्स क्या थे इस एक्ट के, उसके बाद हमने बात किया लिमिटेशंस की। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लेंदी था जो है ये एक्ट, तो ये एक्ट जो है दो मॉड्यूल्स में कवर किया गया है, 16th एंड 17th मॉड्यूल। तो आई होप दैट कि आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो है आपके फेसबुक चैनल जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी लाइव कर सकते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपस में जो है कम्युनिकेट करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें और इस मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। देखिए फ्रेंड्स, आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन हमको प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये आपके फीडबैक से ही पता चलेगा।
जिससे कि हम फर्दर और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लर्निंग प्रोसेस में नहीं है, आपके साथ हम भी लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो ये ड्यूअल कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही हमारा फीडबैक होगा, यही हमारा प्रोत्साहन होगा। ओके फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।